वरना तो गाइस गर्मी में पसीने की वजह से हमारे बाल बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। अगर हमने आज हेयर को वॉश किया है तो कल फिर से हमारे बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं और बालों की तो बैंड ही बच जाती है। तो हमें 20 या 25 दिन में या एक महीने में एक बार हेयर स्पा तो करवाना चाहिए, बट हर बार हम पार्लर में जाके हेयर स्पा नहीं करवा सकते हैं क्योंकि पार्लर का जो हेयर स्पा होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, 1500 या 2000 प्राइस होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्लर में जाते हो, बट हर कोई पार्लर का हेयर स्पा अफोर्ड नहीं कर सकता है। और अगर आप घर पर हेयर स्पा करते हो तो हेयर स्पा की जो क्रीम आती है रेडीमेड, लाइक मेट्रिक्स की ले लो या तो लॉरियल की ले लो, रेडीमेड हेयर स्पा क्रीम भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है, 500-600 रुपए की, तो वो भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी, घर पर DIY हेयर स्पा क्रीम कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगी। अगर आप मान लो कि पार्लर में जाके अगर आप हेयर स्पा करवाते हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो घर पर बहुत ही कम टाइम में काफ़ी सस्ते में आप हेयर स्पा कैसे कर सकते हो वो बताने वाली हूँ। तो सारी चीज़ें आपको आई थिंक घर पर इजीली मिल जाएगी और ये जो हेयर स्पा है वो 10 या 15 रुपए में आप इजीली कर सकते हो। तो आई थिंक आज का मेरा वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक करना गाइस, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो आपके लिए तो ये फ्री है लाइक करना, बट मेरे लिए आप सबका लाइक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो लाइक करना और कमेंट करना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्पा का सबसे पहला स्टेप जो गाइस है कि आपको बालों में से सारी टेंगल्स को रिमूव कर लेना है, यानी बालों को अच्छे से सुलझा लेना है और उसके बाद हम सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बालों को अच्छे से सुलझा लिया है। अब आपको जो सेकेंड स्टेप फॉलो करना है, आपको बालों पर फिंगर टिप्स की हेल्प से करीब 2 या 3 मिनट तक हल्के तरीके से मसाज करनी है स्कैल्प पर। बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर या तो बहुत ज़्यादा फटाफट आपको नहीं करना है, बहुत ही हल्के तरीके से, इस तरीके से आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेकर जो स्कैल्प है वहाँ पर आपको मसाज करनी है। बहुत ज़्यादा आपको ऑयल नहीं लेना है, करीब आपको 1 चम्मच जितना ही ऑयल लेना है और स्कैल्प पर मसाज करनी है। आपको जो कोकोनट ऑयल है ये बालों की लेंथ पर आपको अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको स्कैल्प है वहाँ पर ही आपको अप्लाई करना है। और जो हमने हेयर स्पा की जो क्रीम बनाई है वो हम यहाँ पर हेयर लेंथ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम कोकोनट ऑयल से मसाज कर लेते हैं। तो गाइस अब हमें यहाँ पर एक DIY हेयर स्पा क्रीम रेडी करनी है, वो भी मार्केट में जैसी हेयर स्पा क्रीम अवेलेबल है बस उसी तरह की हम यहाँ पर हेयर स्पा क्रीम बनाएंगे, बट बहुत ही ज़्यादा सस्ते में। मार्केट में जो हेयर स्पा क्रीम अवेलेबल है लॉरियल की, हिमालय की, मैट्रिक्स की, वो बहुत ज़्यादा महंगी आती है, तो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल तरीका बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको डव का कंडीशनर ले लेना है, आपकी जितनी लेंथ है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लेना है। जैसे कि मेरी जो लेंथ है वो मीडियम लेंथ है, तो मैं यहाँ पर 2 कंडीशनर का यूज़ करूँगी। आप डव कंडीशनर के बदले कोई भी दूसरा कंडीशनर भी ले सकते हो, बट डव कंडीशनर में रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो आपको यहाँ पर 2 कंडीशनर ले लेना है। अगर आपकी मीडियम लेंथ है तो 2 ले सकते हो, अगर आपकी छोटी लेंथ है तो आप यहाँ पर 1 कंडीशनर ले सकते हो। बस मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर रेडीमेड एलोवेरा जेल ऐड करना है, करीब 1 टेबलस्पून जितना ऐड करना है। प्लांट वाला फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं ऐड करना है, आप कोई भी ब्रांड का कर सकते हो, मैं यहाँ पर वाव का एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बादाम का ऑयल या तो जैतून यानी ऑलिव ऑयल ऐड करना है। आपके पास बादाम का अवेलेबल है तो आप बादाम का भी कर सकते हो, या तो जैतून का अवेलेबल है तो आप वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी क्योंकि ऑलिव ऑयल से हमारे जो बाल होते हैं काफ़ी सॉफ्ट सिल्की हो जाते हैं, तो 1 टेबलस्पून जितना ऑलिव ऑयल ऐड करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना दही ऐड करना है। तो बस दही ऐड करने के बाद आपको इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो DIY हेयर स्पा क्रीम रेडी हो चुकी है। ये बिल्कुल उसी तरीके यहाँ पर दिख रही है जो मार्केट में आपको लॉरियल की, मैट्रिक्स की, कोई भी कंपनी की आपको रेडीमेड मिल रही है, उसी तरह की आपकी ये क्रीम रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे अप्लाई करते हैं। तो गाइस जब आप ये हेयर स्पा क्रीम अप्लाई करो उससे पहले आपको बालों को दो पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है, जिससे हम अच्छी तरीके से और बहुत ही ईजिली हम हेयर स्पा क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बालों पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करना है, जिससे जब ये हम हेयर स्पा क्रीम अप्लाई करेंगे तो अच्छी तरीके से वो क्रीम अप्लाई भी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हमारे बाल थोड़े से गीले होंगे तो जो क्रीम होगी वो अच्छी तरीके से सारे बालों पर अप्लाई हो सकेगी। तो यहाँ पर मैं बालों पर थोड़ा सा पानी अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद हमने जो अभी यहाँ पर DIY हेयर स्पा क्रीम बनाई वो आपको थोड़े थोड़े बालों के सेक्शन लेकर बालों पर अच्छी तरीके से सिर्फ हेयर लेंथ पर ही अप्लाई करना है। ये हमने जो हेयर स्पा क्रीम बनाई है आपको वो स्कैल्प पर अप्लाई नहीं करनी है, जो बालों की लेंथ है वहाँ पर ही अप्लाई करनी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्कैल्प पर कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लिया है, तो स्कैल्प पर हमें मसाज मिल गया है। अब हमें बालों को सिल्की साइनी बनाना है, तो हमें ये क्रीम सिर्फ लेंथ पर ही अप्लाई करनी है। हमने यहाँ पर जो दही ऐड किया है, साथ ही साथ जो कंडीशनर का इस्तेमाल किया है, इससे आपके जो बाल होंगे काफ़ी सिल्की साइनी हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। हमने यहाँ पर जो ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, ऑलिव ऑयल हमारे बालों को काफ़ी सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है, चमकदार बनाता है, और बालों का जो टेक्सचर होता है उसको काफ़ी स्मूथ बना देता है। नेक्स्ट हमने जो यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज़ किया है, एलोवेरा जेल भी हमारे बालों को अच्छा कंडीशनर प्रोवाइड करता है, अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो ये DIY क्रीम जो मार्केट में रेडीमेड हेयर स्पा क्रीम अवेलेबल है, बट उसी तरह की आपको यहाँ पर रिजल्ट देगा, बट बहुत ही कम प्राइस में आपको जो पार्लर में आपको रिजल्ट मिलता है उसी तरीके का आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। ट्रस्ट मी गाइज, आप अगर इसी तरीके से हेयर स्पा फॉलो करेंगे घर पर तो सस्ते में भी हो जाएगा, आपके काफ़ी पैसे भी बच जाएंगे, और आपको उसी तरीके का सेम रिजल्ट मिलेगा जो हम महंगे पार्लर में जाके करवाते हैं। तो ये हेयर स्पा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने आप सबके लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, तो गाइस एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अफोर्डेबल तरीके के वीडियोस लाती रहूँगी। तो यहाँ पर पूरे बालों पर हेयर स्पा क्रीम अप्लाई करने के बाद आपको बालों को अच्छी तरीके से बांध लेना है, और उसके बाद एक पॉलीथीन की मदद से बालों को कवर कर लेना है, और उसके बाद आपको एक घंटे तक वेट करना है, और जो भी शैम्पू आप यूज करते हो उसकी मदद से हेयर को वॉश कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने हेयर को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हमारे बाल काफी सॉफ्ट हो जाते हैं, सिल्की शाइनी और स्मूथ हो जाते हैं, और ये जो हेयर स्पा है काफी अफोर्डेबल है, इसमें ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है। तो अगर आपके पास बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं है तो आप ये हेयर स्पा फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली हेयर स्पा है, और अगर आपके हेयर किसी भी प्रकार के है, अगर आपने कलर करवाया है तो भी आप ये हेयर स्पा कर सकते हो। तो आई थिंक आज का मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या तो कोई वीडियो रिलेटेड सजेशन हो, तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हो। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। और हाँ, आप मेरे दूसरे वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय, आई लव यू ऑल।